नमस्कार, मैं हूं मेघा और आप देख रहे हैं सीजी लाइव की रिपोर्ट। नुपुर शर्मा का बयान, उसे भड़काने वाला मौलाना और सुप्रीम कोर्ट की फटकार। कौमों को लड़ाना हमारे नेताओं का काम नहीं होना चाहिए, यह काम तो अंग्रेजों का था। अंग्रेजों ने हमारी संस्कृति, देवी देवता, जात पात सबको हथियार बनाकर उनसे हमें ही काटा और काटते चले गए और यह सिलसिला अब भी जारी है। क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को यही सवाल उठाया। इस निंदा की श्रेणी में आने वाला बयान देने वाली नुपुर शर्मा को बुरी तरह फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि जो कौमी आग लगी, जो नफरत का माहौल बना, वह सब नुपुर शर्मा के बयान का ही दुष्परिणाम है। कोर्ट ने हमारी व्यवस्था और शासन की लापरवाही पर भी हैरत जताई। कहा कि यह कितना अन्यायपूर्ण और असहनीय है कि नुपुर शर्मा ने जिसके खिलाफ शिकायत की उसे तो गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन बयान देने वाली नुपुर को गिरफ्तार नहीं किया। दरअसल सारा मामला सत्ता के साथ और उसके खिलाफ होने से बनता और बिगड़ता है। वैसे भी पिछले कई सालों से तीसरा पक्ष, जिसे आप निष्पक्ष या तटस्थ कह सकते हैं, उसका तो पूरी तरह लोप ही हो गया है। अब या तो आप किसी पक्ष में हो या विपक्ष में, तटस्थता नाम का शब्द तो खारिज कर दिया गया है। खैर, नुपुर शर्मा को क्यों बचाया गया है, इसका जवाब तो व्यवस्था कोर्ट को देगी ही। इस बीच अगर उस मौलाना की बात ना करें जो राष्ट्रीय चैनल पर बैठकर नुपुर को भड़का रहा था, तो बात अधूरी रह जाएगी। मेगा सीजी लाइव की रिपोर्ट।